देखिए बच्चों, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आपको और काफी दिन के प्रयास के बाद में आपकी इस शुभ घड़ी का अवसर आपको मिला होगा जरूर। जो हमारा मेन कंटेंट है हम उसकी बात कर जाते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आपके जो रसायन विज्ञान के अंदर जो आपका जो मेन कंटेंट है वो किस तरह से क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका पेपर जो होता है वो टोटल कितने नंबर का है केमिस्ट्री के अंदर। तो वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है। तो देखो, मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ इस बोर्ड के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो पेपर दो पार्ट में बटा रहता है। एक होता है उसका सैद्धांतिक पार्ट, और दूसरा है इसका प्रायोगिक। तो सैद्धांतिक जो पार्ट होता है वो आपके 56 नंबर का है, और उस 56 नंबर में से 14 नंबर शतरंज के होते हैं। 14 नंबर शतरंज के 56 नंबर का आपका सैद्धांतिक पार्ट होगा, और तो ये टोटल हो गया हमारे 70 नंबर का, हो गया सैद्धांतिक पार्ट, और प्रायोगिक आपका 30 नंबर का है। तो अगर मैं इसमें अंक की बात करता हूं सत्रांक जो आपके जाते हैं वो 14 नंबर। इसका जो योग है वो हो गया 70। प्रायोगिक है वो 30 नंबर का होता है, इसमें कोई सत्रांक नहीं होता है, ये 30 है। टोटल जो गुणांक होगा आपका हो गया है, इस तरह से पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सैद्धांतिक पार्ट 56 नंबर का है, इसमें 56 नंबर का आपका पेपर होगा। सत्रांक जो आपके यहां से जाएंगे स्कूल से जाते हैं वो 14 नंबर। टोटल सैद्धांतिक पार्ट कितने का, 70 का। अब इसके बाद में देखिए प्रायोगिक, जो आपके प्रायोगिक एग्जाम होगा प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 नंबर का होता है। तो ऐसे टोटल मिलाकर हमारे पास 100 नंबर का कंटेंट होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप इस एक्सपीरियंस नोट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। हमें अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, ढंग से नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। सिलेबस क्या रहेगा आपका, हम जो यहां कंटेंट की बात करेंगे वो 56 मार्क्स की बात करेंगे। 56 नंबर का जो आपका कंटेंट है जो हमें पढ़ना है वो उसकी बात करेंगे। तो देखो, रसायन विज्ञान के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। तो यहां पर मैं रसायन विज्ञान इसके दो पार्ट हैं। एक भाग फर्स्ट और दूसरा है भाग सेकंड। भाग फर्स्ट के अंदर आपका क्या आएगा, इसके अंदर आप इसके अंदर इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक प्लस में इसमें फिजिकल केमिस्ट्री आती है,
और सेकेंड जो पार्ट है इसके अंदर आप ओनली ऑर्गेनिक पढ़ना होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, कौन सा है, सेकेंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट के अंदर इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों आती है और सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंटेंट क्या रहेगा आपका, कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट, कितने नंबर की रहेगी, आपको उसका पता होना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जितने ज्यादा नंबर का कोई चैप्टर होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं उसकी। तो अगर इसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले सकते हो, नहीं इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 10 से होता है। चैप्टर नंबर जो आपकी यूनिट है वो यूनिट 10 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहां 10 से बात करूंगा, यूनिट 10। इसमें जो हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर हैलोजन युक्त पढ़ेंगे, हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे यूनिट। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्यारह नंबर यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। और इसमें कौन से ऑप्शन युक्त क्रियात्मक समूह में पढ़ने हैं बता देता हूं मैं आपको, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये कंटेंट हमें पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये आपका जो चैप्टर है वो कितने नंबर का, 4 नंबर। ये वाला कितने नंबर का, कोई 4 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद में यूनिट 12 की बात करते हैं, यूनिट 12 के अंदर क्या है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह ही है, लेकिन वो क्रियात्मक समूह अलग है जिनका हमें अध्ययन करना है। वो किसमें पढ़ेंगे हम, भाग सेकंड के अंदर। इसके दो भाग दिए गए हैं, एक भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट में ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह एल्कोहल, फिनोल, ईथर, इसका हम अध्ययन करेंगे। भाग जो सेकंड है, भाग सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, इसमें जो क्रियात्मक समूह आप पढ़ोगे कौन कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ये जो चैप्टर रहेगा यूनिट रहेगी आपकी वो थर्ड मार्क्स की रहेगी, तीन नंबर। तो यूनिट 10 हैलोजन व्युत्पन्न, यूनिट 11 ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, और यूनिट 12 के अंदर भाग सेकंड आता है और उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका हम अध्ययन करेंगे। आप इसको उतार लीजिए, यूनिट 13 की बात करते हैं। तो यूनिट 13 कौन सी है,
ये है आपकी नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक इसका हमें अध्ययन करना है। ये कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर, वो देखो मैं बता देता हूं आपको। इसमें तो नाइट्रो कंपाउंड पढ़ना है, इसमें आपको एमीन पढ़ना है, इसमें आपको डाई एजोनियम लॉन्ग पढ़ना है, डाई एजोनियम लॉन्ग पढ़ना है। इसमें आपको एक कंपाउंड है यूरिया, उसका अध्ययन करना है। इसमें कंपाउंड है साइनाइड, और इसी के अंदर एक कंपाउंड है आइसोसाइन। ये कार्बनिक यौगिक है जिनका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ये चैप्टर भी आपका 3 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का है। तो अगर हम बात करें, हाँ मैं इधर लिख देता हूं इसको यूरिया, यहां लिख देता हूं यूरिया। तो इस तरह से ये कंटेंट है यूनिट 13 का। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी यूनिट 14, उसके अंदर क्या है। यूनिट 14 के अंदर हम पढ़ेंगे जैव अणु, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। ये यूनिट भी 3 नंबर का रहेगा अपना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है वो 15 है, इसमें पढ़ेंगे हम बहुलक, बहुलक पढ़ेंगे। और ये भी हमारा कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखिए यूनिट नंबर 16, यूनिट तो 16 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, ये भी 3 नंबर का रहेगा अपना। उसके बाद देखो यूनिट 17, अगर 17 हम यूनिट 17 की बात करते हैं तो 17 यूनिट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन। ये भी आपकी कितने नंबर का होगा? 3 नंबर। एक टोटल हमारे पास 17 यूनिट है आपके ऑर्गेनिक पार्ट से भी, ठीक है। इसका हमें इनका बिल्कुल इजी तरीके से हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं ये जो टोटल कंटेंट जो हमारा कितने मार्क्स का है ऑर्गेनिक का। इसमें चैप्टर मैंने फर्स्ट बताया आपको, वो चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर। उसके बाद मैंने सेकंड इसके अंदर ऑर्गेनिक के अंदर बताया, वो भी 4 नंबर। उसके बाद मैंने इसके बाद नेक्स्ट बताया वो 3 नंबर का, फिर उसके बाद मैंने बताया वो भी 3 नंबर का, और उसके बाद में ये चैप्टर भी कितने के हैं? 3 3 3 3 टोटल ये। तो हमारे ये चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये आपके ऑर्गेनिक का कंटेंट रहेगा इतने मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए देखो, 8 11 11 और 3 14 14 3 17 17 3 20 20 और 3 23 और 3 26। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की होगी आपके? 26 मार्क्स की होगी। 26 मार्क्स की है ऑर्गेनिक जिसका हमें अध्ययन करना है एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग। इसको आप एक गुरुदार लीजिए,
देखो भाई, आप आते हैं हमारे मेन काम की बात पर आते हैं। आपको जो यहां पर पढ़ना है उसमें आपको केवल बिल्कुल ध्यान लगा के स्टडी करनी है और आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मजा तभी आएगा। देखिए, हम सबसे पहले हमारी पहली यूनिट को उठाते हैं जो सेकंड के अंदर होने के अंदर, अर्थात मैं यूनिट किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट 10 की बात कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैं यूनिट डाल देता हूं, यूनिटाइन क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न है, हैलोजन व्युत्पन्न। इसका जो ये कितने मार्क्स का है मैंने अभी बताया आपको, कितने मार्क्स का ये क्या नंबर का चैप्टर है। देखो देखो भाई, ध्यान दीजिए भाई, हैलोजन और व्युत्पन्न दो चीजें आ रही हैं। हैलोजन आप सभी जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हैलोजन अर्थात अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी के अंदर जो 17वां वर्ग होता है उसको हम हैलोजन परिवार कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी हैलोजन आती है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अर्थात हम ये कहें व्युत्पन्न कैसे बनाते हैं, तो देखो व्युत्पन्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस हैलोजन को ऐसे यौगिक के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा जिससे उसका क्या बन जाए, व्युत्पन्न बन जाए। तो देखिए, हम सबसे पहले मुख्य तौर पर कार्बनिक रसायन में करते क्या है उसके लिए भाई देखिए, हाइड्रोकार्बन लेंगे, क्या लेंगे, हाइड्रोकार्बन। और किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर मैं एच एटम को, किसको, ध्यान दीजिए देखो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन देखो आप सोचते हाइड्रोकार्बन होता है क्या है भाई, कार्बन और किससे, हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, हैलोजन व्युत्पन्न की बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, किसी हाइड्रोकार्बन में से एक एच को हटाना है और उस एच को हटाकर उसकी जगह हमें क्या जोड़ना है, हैलोजन। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे भाई, हैलोजन व्युत्पन्न। तो देखो आप इसको धीरे धीरे आपको राइट डाउन करके चलना है, अच्छी तरीके से बड़े मजे से पढ़ाई करनी है हमें यहां पर। तो देखो हमें करना क्या है, आप सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में लिखेंगे, अपने अच्छे साफ और सुंदर अक्षरों में अपने नोट्स तैयार करिए आप, तो वो हैलोजन व्युत्पन्न लेंगे किसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से एच परमाणु को हटाकर, किसको, एच परमाणु को हटाकर हैलोजन को जोड़ दिया जाए जाए तो बने यौगिकों को, बने यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। अब इसको उतार लीजिए, यह हैलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन होगी। इसको मैं मिटा देता हूं,
अब हाइड्रोजन व्युत्पन्न कौन कौन से जिनका हमें अध्ययन करना है, देखिए भाई ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन व्युत्पन्न आपके सिलेबस में हाइड्रोजन जो व्युत्पन्न है वो भाई दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। ए पावर, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एल्किल हैलाइड, क्या पढ़ेंगे भाई, एल्किल हैलाइड। और हमारे पास पार्ट कौन सा है, बी हैलोजन व्युत्पन्न का, उसमें पढ़ेंगे हम एरिन हैलाइड, एरिन एक एल्किल हैलाइड और दूसरा कौन सा है, एरिल हैलाइड है। अब देखिए यहां पर एक चीज आ रही है, एल्किल और हैलाइड, एल्किल किसे कहते हैं आप जानते हो ना, आर को क्या कहा जाता है, एल्किल, और एक्स हैलाइड, हैलाइड किसको बोलना है, हैलोजन को। हैलाइड कब कहते हैं इसको, जब हैलोजन पर चार्ज क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको हम हैलाइड कहते हैं। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार एरिल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एरिल को लिखते हैं ए आर और हैलाइड को क्या लिखेंगे बताइए, एक्स। तो ये क्या हो गया, ए आर एक्स क्या होगा, एरिल हैलाइड होगा। और जबकि एल्किल हैलाइड क्या होगा, देखो नाम में ही नजर आ रहा है, एल्किल तो आर आ गया, आर का मतलब एल्किल से होता है और हैलाइड का मतलब किससे होता है, एक्स से होता है। तो ये दो हैलोजन व्युत्पन्न है आपके सिलेबस में जिनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इनको उतार लीजिए। अब हम सबसे पहले भाई किसको पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड को पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड ये हमें पढ़ना है, एल्किल हैलाइड के बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले देखो इसमें आपको एक एक बिंदु को समझते हुए चलना है। देखो भाई ध्यान दीजिए, पहला बिंदु क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड कहेंगे किसे, इसकी डेफिनेशन होगी क्या। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, देखो यहाँ ये एल्किल है, यहाँ क्या आ रहा है, हैलाइड। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं कि R और H, R और H, R एल्किल होता है और H क्या होता है, हाइड्रोजन। किसी एल्किल में H को जोड़ दिया जाए तो उसे हम एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एल्केन से, यदि क्या हटाए हम, एक एच हटाएंगे। और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था किसी हाइड्रोकार्बन से, देखो एल्केन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और किसी हाइड्रोकार्बन से जब हम एच को हटाते हैं किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो बने यौगिक को क्या कहेंगे हम, हैलोजन व्युत्पन्न। और उस हैलोजन व्युत्पन्न का नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। क्योंकि भाई जब एल्केन को देखो हम RH से लिखते हैं ना, तो RH में से जब H को हटाएंगे और H को हटाने के बाद जब X को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, RX, और RX को क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। तो देखो इधर ध्यान दीजिए आप, जब एल्केन, एल्केन से एच परमाणु को हैलोजन, हैलोजन परमाणु द्वारा हटाया जाता है तो बने यौगिक को
क्या कहा जाता है भाई? एंगल एल की गहराई कहते हैं। देखिए एल्केन से हमें क्या करना है, एच परमाणु को क्या करना है, हटाना है। किसके द्वारा हटाना है भाई? हैलोजन के द्वारा हटाना है। तो बने यौगिक को क्या नाम दिया जाएगा? एल्केल हैलाइड। देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने क्या लिया, आर एच। आर एच क्या होता है भाई? एल्केन। और एल्केन में से यदि मैं किसको रिमूव कर दूं? एच को। और एच के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाए? एक्स। एक्स क्या है? हैलोजन। तो बोलो क्या बनेगा? आर एक्स। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? एल्केन। समझ में आया? देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये एल्केन है। एल्केन में से हमें किसको हटाना है? एच को हटाना है। और एच को किसके द्वारा हटाना है? एक्स के द्वारा। तो बोलो क्या बनेगा? आर एक्स। उस आर एक्स को हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। तो इसका ये पहला बिंदु था जिसका जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एल्किल हैलाइड होता क्या है और ये बनेगा कैसे। अब हम बात करते हैं बिंदु दो की। पहले आप इसको राइट डाउन करें।